दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले जेई एडवांस एग्जाम जो कि खत्म हो चुका है। अभी पेपर वन पेपर टू दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि पेपर वन थोड़ा हार्ड आया था एज कम्पेयर टू पेपर टू, बहुत सारे बच्चे के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, तो जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था। जैसा कि टिपिकल जेई एडवांस का पेपर आ रहा है दो तीन सालों से वैसा ही था। बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन करके गए थे, उनको टफ लग सकता है, पर जो जेई एडवांस का करके गए थे उनके लिए मॉडरेट ही पेपर था। बट ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो ये टफ ही लगेगा, ईजी नहीं लग सकता। तो इसलिए जो पेपर तो वो टिपिकल जी एडवांस पेपर था, तो जो भी हम मार्क्स से रैंक बताएंगे आपको वो 100% करेक्ट होने वाला है। और बहुत जल्द हम मार्क्स से रैंक कैटेगरी वाइज आपको इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलते रहे सही समय पे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी था। तो जो मैथमेटिक्स था वो सबसे डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं, या डिफिकल्ट क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा था क्वेश्चन का। उसके बाद फिजिक्स जो था वो मॉडरेट और केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। तो एज कम्पेयर टू पेपर टू पेपर वन जो था वो थोड़ा ईजी था। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपको चाहिए टॉप 7 और टॉप 15 एंड लोअर आईआईटी कॉलेज के लिए, सीएससी ब्रांच एंड अदर ब्रांच के लिए। तो अगर आप जनरल से तो 200 एंड 165, ये हो गया आपका मेल एंड फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी टॉप 7 आईआईटी में अगर आपको सीएस के साथ जाना है। फिर इसी तरह से एवरेज 15 तक में जाना है, मतलब 15 तक में अगर जाना है तो 155 130, जो कि मेल के लिए 155 और फीमेल के लिए 130 मार्क्स चाहिए। उसी तरह से लोअर के लिए 130 एंड 110 मार्क्स चाहिए, आपको सीएस हो जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 190 158 टॉप 7 के लिए, फिर 15 तक के लिए 145 120, फिर लोअर के लिए 120 100। हम टॉप 7 15 लोअर बता रहे हैं क्योंकि टॉप 7 जो है वो ओल्डेस्ट आईआईटी, उसका सबसे ज्यादा डिमांड होता है। फिर एवरेज जो है वो मिड में आए थे 2008 के आसपास, फिर न्यू वाले जो है वो लोअर है 2016 के आसपास एस्टैब्लिश हुए थे। तो चलिए अब बात करते हैं ओबीसी का 170 152 टॉप 7 के लिए, फिर एवरेज 15 तक के लिए 130 105 जो है वो मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, फिर लोअर के लिए 115 और 95, क्योंकि फीमेल के लिए सेपरेट रिजर्वेशन है इसलिए आपको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, कम मार्क्स भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर एससी के लिए अगर बात करें 130 और 105 मार्क्स चाहिए टॉप 7 के लिए, एवरेज आईआईटी के लिए 105 और 80 मार्क्स चाहिए, फिर लोअर के लिए 80 और 60 मार्क्स चाहिए। फिर एसटी के लिए अगर आप बात करें 125 और 100 टॉप 7 के लिए, 15 तक के लिए 95 और 70, लोअर के लिए 75 और 55 मार्क्स चाहिए। ये हो गए आपका सीएस ब्रांच के लिए। अगर आप किसी भी ब्रांच तक किसी भी आईआईटी में बस इंटर होना चाहते हैं क्योंकि आपको बस एडमिशन चाहिए, तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी के लिए 75 और 70 मार्क्स चाहिए मेल फीमेल। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 70 और 65, ओबीसी के लिए 65 और 60, फिर एससी एसटी के लिए आपको 40 और 35 मार्क्स में भी काम हो जाएगा। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेई एडवांस 2023 को लेके, बहुत ही अर्जेंट इन्फॉर्मेशन था। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस के लिए चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस काउंसलिंग जो कैसे करना है, जो सर काउंसलिंग, उसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो का, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम आपको गाइड करेंगे। एक बार आप नॉमिनल चार्ज पे करके अगर रजिस्टर करते हैं मेरे गाइडेंस से, उसके लिए आप डेटा जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने काउंसलिंग गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के बारे में। जैसा कि हम 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय से लेके एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं हर एक काउंसलिंग में, और बाद में किस में ज्वाइन करना है उसके लिए भी एडवाइस करेंगे आपको। सारे कॉलेज का फैकल्टी कैसे हैं, कैसे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी चॉइस फिलिंग होता है, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको देंगे हर एक काउंसलिंग के लिए जो भी आप करते हैं। और दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके। ये ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे करें और 4-5 दिन के बाद आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कॉन्टेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही पर्सन है गाइड करने के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था मेरा गाइडेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन।